वैज्ञानिक क्या कर रहे होंगे। इन तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ खास मेहमान लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। मनीष, अब जब काफी वक्त बीत चुका है, क्या चल रहा होगा अभी वैज्ञानिकों के मन के अंदर, और क्या हम माने कि अब ये पूरी तरीके से सफल है या थोड़ा इंतजार और करना? अभी अभी आदित्य जो सैटेलाइट है उसको सेपरेट होना है। अभी हम स्टेज 4 के साथ ही चल रहे हैं, तो अभी तक हम अपनी इंटेंडेड ऑर्बिट तक नहीं पहुंचे हैं। वहां जब पहुंचेंगे तकरीबन वो 1 घंटा 3 मिनट का टाइम है लॉन्च के बाद से, यानी 11:50 पे लिफ्ट ऑफ हुआ तो उसके बाद से 1 घंटा 3 मिनट का जो टाइम है उसके बाद में सैटेलाइट सेपरेशन होगा। तो अभी भी वहां पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहेगी, क्योंकि अभी भी हम इन द लॉन्च है, अभी लॉन्च पूरा नहीं हुआ। मतलब अभी वो ये नहीं बोलेंगे, जब तक वो ये नहीं बोलेंगे कि सैटेलाइट जो है इंटेंडेड ऑर्बिट में चली गई है, तब तक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग विल बी डन। एक एक पैरामीटर को चेक करते रहेंगे। स्टिल वी आर इन द मिशन राइट नाउ। देखिए अभी मिशन में है, अभी लॉन्चिंग हो रही है, और जब तक आखिरी चरण में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे और उसकी एक एक जानकारी आप तक भी पहुंचती रहेगी। आप हमारे साथ चूंकि लाइव ऑडियंस भी है, बहुत सारे सवाल हैं जो कि वैज्ञानिकों से पूछने हैं, एक्सपर्ट से पूछने हैं, तो सवाल कहीं पीछे से भी आ रहे थे। मेरा क्वेश्चन ये है, जब हमारा आदित्य L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा और वो अपने ऑर्बिट पे जब सर्कुलेट करेगा, तो मे बी वो अगर भटक गया या फिर कोई भी मेट्रोइड से जाके टकरा गया, तो क्या हमारे पास कोई बैकअप है, क्या ऐसी संभावना है? देखिए ऐसा L1 पॉइंट पर भटक गया जो बात रहती है ना, तो एक रिएक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म रहता है, मतलब थ्रस्टर्स रहते हैं जो कंटिन्यूसली उसकी पोजिशन को, उसको एटीट्यूड कंट्रोल कहते हैं। रिएक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म एंड एटीट्यूड कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है कि जो स्पेसक्राफ्ट है उसका जो ऑर्बिट के पैरामीटर्स है वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। तो उनके लिए थ्रस्टर्स लगे हुए होते हैं और वो कंटिन्यूसली फायर हो जाते हैं जैसे भी कुछ भी डिसोरिएंटेशन होता है। और रही बात उस पॉइंट पे कोई एस्ट्रॉइड वगैरह, तो हमें पहले से ही पता रहेगा, अगर हमें उसको कुछ बचाना या कुछ शिफ्ट करना है तो देट विल बी कैलकुलेटेड मूव, एक कैलकुलेटेड मूव रहेगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए एस्ट्रॉइड तो दूर की बात है, अपन बात करते हैं कि सूरज से जो फ्लेयर्स आ रहे हैं वो हाई एनर्जी रेडिएशन आ रहा है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो हम तो गए उसको पढ़ने के लिए वहां पर, और अगर वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो मतलब फिर तो वैसे भी कुछ नहीं बच पाएगा अगर सूरज उस मैक्सिमा पे थ्रो कर रहा है। ये सब सोच कर, ये सब कैलकुलेशन के साथ ही ये पूरा प्लान किया गया होगा मनीष भाई? हाँ, ये देखिए ये तो सारी चीजें देख के करना होता है ना, एवरीथिंग इज वेल कैलकुलेटेड। हम अगर इतना बड़ा मिशन प्लान करें जो 2008 में प्रपोज हुआ, 2023 में जा रहा है, तो ये छोटी छोटी चीजें है, तो छोटी छोटी लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्बिटल डायनेमिक्स को समझना, ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन करना, उसका जो रिएक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि ऑनबोर्ड कंप्यूटर भी कभी कभी डिसाइड करेगा कि किस तरीके से उसकी ऑर्बिटेशन को मेंटेन करना है, ऑर्बिट को डीके नहीं होने देना है, नहीं तो वहां पे हम तो 5 साल की बात कर रहे हैं। लेकिन जो L1 के जो हेलो ऑर्बिट में अभी घूम रहे हैं मिशन, कई मिशन ऐसे जो गए 5 साल के लिए थे लेकिन उनको 20-25 साल हो गए, क्योंकि वो बहुत स्टेबल ऑर्बिट है, वहाँ पे फ्यूल ज्यादा खर्च नहीं होता। फ्यूल जो है ना वो मेन पार्ट है आपकी मिशन की लाइफ को, फ्यूल खत्म होने लगता है तो हम उस ऑर्बिटल के जो हाउसकीपिंग वाली पार्ट है, हाउसकीपिंग मतलब हम सारी चीजें सही रखना चाहते हैं स्पेसक्राफ्ट की उस ऑर्बिट में जो हमें हेल्प करती है हमारे मिशन को पूरा करने के लिए। तो अगर हमारे पास फ्यूल खत्म हो गया तब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, अगर वो बिगड़ रहा है तो वो बिगड़ेगा, तो हम उसको है ना ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में डाल देते हैं। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट यानी एक ऐसे ऑर्बिट की साइड भेज देते हैं जहाँ पर डालने के बाद बस वो जो गोस्ट लोड है और हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा मोस्टली ऐसे कि हेलो ऑर्बिट में अभी मिशन है 5 साल के लिए प्लान था, सर मैं 20 साल से पूछ रहा हूँ। ठीक है, और किसी के सवाल?